लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका कैसी हो, और वह युवा भारतीय जनमानस को, भारतीय जनतंत्र को किस प्रकार सशक्त कर सकते हैं, इसके लिए आदरणीय भाई राहुल जी निरंतर बहुत चिंतित रहते हैं और उसके प्रति निरंतर कार्य भी करते हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं भाई राहुल कराड़ जी को कि वह आए और उस संदर्भ में श्रद्धेय महाराज जी के इस क्रांति धर्मा संस्कृति को अग्रसर करने के उस कार्य में वह क्या सहभागी हो सकते हैं, उसके विषय में अपनी बात रखें। आदरणीय भाई राहुल कराड़ जी। जननी जन्मभूमिश स्वर्गादपि गरीयसी। आज पता नहीं, मतलब इतने सालों से स्वामी जी के प्रति बहुत आदर, बहुत श्रद्धा, और भारत को विश्वगुरु बनाने का जो एक बीड़ा उन्होंने उनके लाइफ में उठाया, और जो आज हम सब देखते हैं कि पूरे विश्व में, भारत में जिस तरीके से स्वामी जी का कद और योगा का, मुझे नहीं लगता कि पूरे वर्ल्ड में कोई इससे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर पूरे वर्ल्ड के लिए होगा, पूरे भारत के लिए तो है ही। और आज मुझे यहाँ पे सौभाग्य मिल रहा है कि पुणे में MIT संस्था के बारे में अभी थोड़ा सा यहाँ पे बात बोली, बट शिक्षा के माध्यम से पिछले 32 सालों से 32 ईयर्स से MIT महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, ये पहला प्राइवेट कॉलेज महाराष्ट्र में शुरू हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज, और इसके माध्यम से काफ़ी सारी संस्थाएं पूरे भारत में, भारत, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बाकी काफ़ी जगह के ऊपर चलाई जाती है। मैं इतनी आज का बड़ा योगायोग से, मतलब मुझे नहीं पता था मुझे यहाँ पे आज कुछ बात करनी है, बट कल स्वामी जी के साथ कुछ एजुकेशन में योगा का हम कैसे एक ब्लेंडिंग, मतलब इतने सालों से बात होती है काफ़ी, अभी इस सरकार में भी इसके बारे में बहुत पॉजिटिवली बात हो रही है कि हम प्राइमरी, प्री प्राइमरी एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन में योगा का कैसे एक तरीके से ब्लेंडिंग करें। मेरे तक की बात यहाँ पे करूँगा कि MIT के माध्यम से हमने काफ़ी सारे ऐसे उपक्रम और शायद लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा करने का जो, और एक उसका एक ब्रिज बनाने का एक जो काम, मतलब कई बार क्या होता है कि समाज में गुंडे बदमाश लोग बहुत जल्दी इकट्ठा आते हैं, बट शायद स्वामी जी का एनर्जी है, स्वामी जी का, मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी कम उम्र में ये कैसे हासिल हुआ। और हम कई लोग कई बार काफ़ी सारी चर्चा समाज में न्यूज़ चैनलों के माध्यम से करते हैं, बट मुझे लगता है कि इतना बेहतरीन काम इतने सालों से पतंजलि के माध्यम से एक थॉट प्रोसेस लेके, एक मिशन लेके एक व्यक्ति खड़ा करता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति ने ये योगा के माध्यम से देशभक्ति की बात किस तरीके से स्वामी जी ने हमारे मन में, मतलब पूरे विश्व में जहाँ पे भी जाता हूँ, मतलब इंग्लैंड अमेरिका आप जाओ तो भारत को खाली दो ही लोगों के नाम से कि जाना जाता है कि एक गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी। थोड़ा ये बड़ी बात नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आज के डेट में भारत को ये तीसरी एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज जो है योगा, जिसके नाम से जाना जाने लगा है, और उसका पूरा के पूरा श्रेय, मतलब हमारी प्राइड क्या है पूरे में, मैं इंग्लैंड जाता हूँ, अमेरिका जाता हूँ, शिक्षा का जो भी हमारा संस्थान है, काफी सारे कोलैबोरेशन, जब तो इन लोगों के सामने हम जब खड़े होते तो भारत का मैसेज क्या है, तो भारत का मैसेज मुझे लगता है कि योगा के माध्यम से। गुरु जी आपने, मुझे नहीं पता कि एक व्यक्ति इतनी ऊर्जा लेके कैसे काम बन सकता है, मतलब हम सुबह उठ के आज आए, मतलब यहाँ पे बैठे हैं कुछ लोग, मुझे कल बताया गया है कि 4:30 बजे आपको यहाँ पहुँचना है, और मैं यहाँ पे आया और इतने बड़े नंबर में आप सब लोग यहाँ पे आते हैं, और ये 12 महीने इस तरीके से ये शिविर चलते हैं, TV के ऊपर रोज हम देखते हैं, पूरा भारत देखता है, पूरा विश्व देखता है। मुझे अभी यहाँ के चैनल के हमारे सब लोग बता रहे थे कि पूरे, पता नहीं 170-180 देशों में ये पूरा के पूरा इसका प्रसारण होता है, और आज यहाँ पे हम बैठे तो पूरे विश्व में इसके बारे में ये काफ़ी सारे लोग यहाँ पर, यहाँ का एक ऑडियंस कुछ 1-5 हज़ार लोग यहाँ पे आज बैठे हैं, बट मुझे लगता है कि पूरे विश्व में पता नहीं कितने लोग ये विषय देख रहे हैं। मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि योगा की, मतलब एक मतलब योगा या भगवद्गीता या ये आध्यात्मिक जो होता है ज्ञान, ये बुढ़ापे में कुछ करने की चीज़ें, ऐसी एक भावना अपने मन में हमेशा एक 10-15 साल में, कम से कम देश में 15 साल पहले मैं देखता हूँ देश में थी, बट पूरे 15 साल का जो ट्रांजिशन है, ये पूरा योगा का श्रेय, पता नहीं कितने लोगों ने योगा के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, कितने लोगों ने योगा के ऊपर पुस्तक लिखे, और युवा भी बोलने लगा कि योगा करना चाहिए, योगा आना चाहिए, इसका पूरा श्रेय स्वामी जी को हमने
देना चाहिए। मुझे लगता है कि समाज में इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि पूरे पूरे वर्ल्ड में इसके बारे में लोग कुछ देख रहे होंगे, तो मैं सबको ये बताना चाहूंगा कि मतलब इसका श्रेय हमें स्वामी जी को देना चाहिए। और योगा की परंपरा भारत की, हम भले ही हम हमेशा एक एक, एक ऐसा फीलिंग लेके नहीं, भारत बहुत हम महत्तम थे, बहुत ये थे, बहुत वो थे, बट आज के डेट में हम क्या है। तो मुझे लगता है कि आज कॉन्टेम्पररी एरा में जो स्वामी जी ने हमारे सामने, सबके सामने जो एक उदाहरण रखा, और उदाहरण ही नहीं रखा बट एक पीढ़ी के पीढ़ी, मतलब शायद आने वाले समय में कि हम लोग ये कहेंगे कि हम स्वामी जी के युग में पैदा हुए, तो आने वाली जनरेशन्स कहेगी कि हम स्वामी जी के युग में पैदा हुए थे, या यू नो। तो इस तरीके से मुझे स्वामी जी के बारे में लगता है कि ऐसी विभूतियों का जन्म लेना भारत भूमि में, और उसका हमें सबको गर्व होना चाहिए। मैं राजनीति का प्रशिक्षण देने का देश का पहला संस्थान 2005 में शुरू किया। लोग हंसे थे मेरे ऊपर कि राजनीति में कोई प्रशिक्षण होता है क्या, सभी राजनेता चोर है, पॉलिटिकल पार्टियां भ्रष्ट है, इस तरीके की चर्चा हमेशा हमने सुनी है, आज भी करते हैं हम। बट मैं मानता हूं कि राजनीति में भी बहुत अच्छे लोग हैं, और पढ़े लिखे लोगों ने, व्हाइट कलर लोगों ने, आपके जैसे अच्छे लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर ये विचार करना चाहिए कि हम राजनीति हर चीज का मूल है, और पढ़े लिखे अच्छे युवा राजनीति में आए, इसके लिए हमने ये राजनीति का पहला एक तरीके से MBA प्रोग्राम कहिए उसको, एक मास्टर्स प्रोग्राम हमने शुरू किया, और जिसके माध्यम से पिछले 12 सालों में काफी सारे लोग अलग अलग पार्टियों में पद लेके काम कर रहे हैं। इसी बात को आगे रखते हुए भारतीय छात्र संसद एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म कि भाई राजनीति का शुद्धिकरण, राजनीति में हम प्यूरिफिकेशन कैसे लाएं। जब तक राजनीति में अच्छे पॉलिसी मेकर्स नहीं आएंगे, पढ़े लिखे युवा नहीं आएंगे, तब तक राजनीति का हम चित्र बदल नहीं सकते। तो इस तरीके से ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म को स्वामी जी ने सपोर्ट किया। मैं पिछले 2-3-4 सालों से मैं विनती कर रहा था कि स्वामी जी आप आए, लास्ट टाइम स्वामी जी आए, नेक्स्ट टाइम भी स्वामी जी इसके ऊपर उन्होंने मुझे कमिट किया कि वो आएंगे, और पूरे भारत से 10,000 युवा कि जो सोशली एक्टिव है, पॉलिटिकली एक्टिव है, ऐसे युवा आते हैं, और हम उनको सेंसिटाइज करते कि लोकतंत्र में और गुड गवर्नेंस में भागीदार होना बहुत जरूरी है। खाली दूर से सब राजनेताओं को चोर कहना, पॉलिटिकल पार्टियों को भ्रष्ट कहना, और किसी NGO के नाते खाली जाके मोमबत्तियां लेके गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर जलाना, इससे काम नहीं चलेगा। पढ़े लिखे लोग राजनीति में आए, ये मिशन लेके मैं काम कर रहा हूं MIT शिक्षा संस्था में, इंजीनियरिंग से लेके। और मुझे लगता है कि स्वामी जी तो पूरे कितने सालों से, मतलब योगा का माध्यम इतना बढ़िया, तो उसके माध्यम से देश में काले पैसे की बात हो, काले धन की बात हो, या काफी सारे ये कितने विषय स्वामी जी ने, मतलब मैं तो उनके सामने मैं डॉट समझता हूँ कि स्वामी जी आपका जो काम है वो ओशन है। और मुझे लगता है कि हमारे जैसे कई लोग आपको देख के प्रेरित पूरे देश में होते हैं, होते आए हैं, और आने वाले समय में भी ईश्वर आपको ऊर्जा देगा, और आपके माध्यम से बहुत बड़ा काम हम सब लोग कर पाएंगे, इतना ही मेरा विश्वास। यहाँ कह के आप सब लोगों से विदा लेता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत ही ऊर्जावान युवा है। एक बार भाई राहुल कराड़ के लिए सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, छोटी उम्र में बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, और इनके पिता श्री विश्वनाथ कराड़ जी ने भी इसी तरह से अपने जीवन में एक सामान्य पृष्ठभूमि से, गांव से आकर के और एक वैश्विक स्तर का कार्य किया है। आगे इनका मन है कि हम सब पतंजलि योगपीठ से मिल करके भी इस राष्ट्र के निर्माण में, नेशन बिल्डिंग में कुछ हम बड़ी भूमिका निभाएं। एक बार हम सब की ओर से भाई राहुल विश्वनाथ कराड़ को बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत ऊर्जावान युवक है और आगे बहुत कुछ करेंगे, इनमें अपरिमित संभावनाएं हैं। बहुत आशीर्वाद। भस्त्रिका प्राणायाम से ये प्राण विद्या, इसी प्राण विद्या को ही ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। लंबा गहरा श्वास भरना, बाहर छोड़ना, देखने में एक छोटी सी क्रिया लगती है, लेकिन इस छोटी सी प्रक्रिया से हमारा पूरा जीवन रूपांतरित होता है। जीवन के दिव्य रूपांतरण के लिए भस्त्रिका कपालभाति बाह्य उज्जायि अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम, प्रणव का ध्यान, ये 8 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द, शरीर में कमजोरी है, वो धीरे धीरे करना। ध्यान मुद्रा
वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण शक्ति या अपान मुद्रा में बैठ करके ये प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास होगा। ध्यान मुद्रा स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, मन की शांति के लिए अच्छा अभ्यास है। वायु मुद्रा जिनको अर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, गैस्ट्रिक की बहुत प्रॉब्लम है, उनके लिए। शून्य मुद्रा जिनको कान के रोग है उनके लिए। प्रथम मुद्रा जो ओवरवेट्स अंडरवेट्स हैं उनके लिए। वर्ण मुद्रा मूत्र रोगों के लिए। शक्ति मुद्रा जिनके शरीर में बहुत वीकनेस है उनके लिए। अपान मुद्रा जिनको एक साथ 10-20-50 बीमारियां हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम से, बहुत टॉक्सिन्स ऑक्सीजन बॉडी में बढ़े हुए हैं, तो बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ये वायु मुद्रा ऐसे बैठ के भी कर सकते हैं। जिनको बहुत कमजोरी हो इसे भी धीरे कर सकते हैं। और जो पूरी तरह से निरोगी हैं, योगी हैं, उनको तीव्रतापूर्वक करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार यह अभ्यास करना है। शक्ति का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। जिसके आपकी जितनी कैपेसिटी है अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना। बिना योग के हम सामान्य चेतना में जीते हैं। यद्यपि हमारे इस पिंड में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां सन्निहित हैं, लेकिन एक और गहरी बात हमारे साथ जुड़ी हुई है। मनुष्यों में स्वाभाविक ज्ञान, मनुष्यों में स्वाभाविक विद्याएं, निपुणताएं, दूसरे जीवों की अपेक्षा कम है। किसी किसी जीव में गंध का इतना तीव्र ज्ञान होता है कि कई किलोमीटर दूर की गंध का पता लगा लेते हैं। दिशाओं का बोध उनको इतना गहरा होता है कि हजारों लाखों किलोमीटर की यात्रा करके अपने स्थान पर वापस आ जाते हैं। उनके पास में कोई यंत्र विशेष आदि नहीं होता, यंत्र आदि कुछ नहीं होता, फिर भी समुद्र के जीव, आकाश में उड़ने वाले पंछी, उनको दिशाओं का बोध हो, गंध का बोध हो, दृष्टि का बोध हो, माने कोई सोच नहीं सकता, इतनी अद्भुत क्षमताएं उन जीवों में होती है स्वाभाविक रूप से। कई प्रकार का उनमें सामर्थ्य भी होता है। कोई मनुष्य कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, कोई कितना ही बड़ा साधु संत महात्मा हो, कोई कितना बड़ा नेता अभिनेता हो, यदि तैरना नहीं सीखेगा तो तैरना नहीं आएगा उसको। ये एक निपुणता है, दिस इज अ स्किल, स्विमिंग इज अ स्किल, तैरना एक स्किल है। आदमी कितना ही बड़ा हो जाए, यदि तैरना नहीं सीखेगा तो उसको स्वाभाविक रूप से नहीं आता। कुत्ते से लेकर के, हिरण से लेकर के, भेड़ बकरियों से लेकर के, गाय भैंस से लेकर के, गधे से लेकर के, शेर हाथी तक, सबके बच्चों को पैदा होते ही तैरना आता है। उसके शावक को आप यदि 5 दिन का भी है तो पानी में डाल दीजिए, तैर करके बाहर निकल जाएगा, बहती हुई नदी से बाहर निकल जाएगा।
आदमी के बच्चे को करीब 6 से 9 महीने लग जाते हैं खड़े होने में और चलने में। हिरण का बच्चा पैदा होते ही थोड़ी देर में दौड़ने लग जाता है, ये उनके अंदर स्किल है। चलो भस्त्रिका की बात अब कपाल भाति कर लो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मनुष्यों में सारे ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, लेकिन उन शक्तियों को जागृत करना पड़ता है। एक तो कहते हैं स्वाभाविक ज्ञान, स्वाभाविक निपुणताएं, स्वाभाविक योग्यताएं, स्वाभाविक क्षमताएं, सामर्थ्य। एक होता नैमित्तिक ज्ञान, नैमित्तिक गुण, विशेषताएं, योग्यताएं, क्षमताएं, योग्यताएं, माने किया जाए तो ऐसा होगा। मनुष्य के ज्ञान को यदि पूरी तरह से प्रकट किया जाए तो एक मनुष्य में इतना सामर्थ्य है उसके हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी तक दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने इस पर माने कितने प्रकार से शोध किया है, उन सबका विचार करें तो आज का पूरा सत्र इसी में चला जाएगा। योग क्या कर रहा है? योग हमारे उस स्वाभाविक ज्ञान को, स्वाभाविक बोध को, स्वाभाविक जो हमारे हैं भीतर सन्निहित लेकिन प्रसुप्त अवस्था में, उसको जागृत करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। कपाल भाति करते रहिए, रुकिए मत। तो ये एक थोड़ी सी पृष्ठभूमि मैंने इसलिए कही आपसे कि बिना योग के मनुष्य सामान्य चेतना में रहता है, योग करके हमारा ज्ञान, हमारी शक्ति, हमारा सामर्थ्य, हमारा ऐश्वर्य, हमारी विभूति, हमारे भीतर की दिव्यता पूरी तरह से जागृत हो जाती है। सामान्य शब्दों में कहें तो एक योग से हमारे जीवन में सारे शुभ और सौभाग्य के द्वार खुल जाते हैं और परंपरागत शब्दों में मैंने कहा था कि योग एक कल्प वृक्ष की तरह है। साइंटिफिक लैंग्वेज में मैंने कहा था कि इसे डीजनरेट द सेल्स डिजिनेट हो जाते हैं, इससे सभी केमिकल हार्मोन सॉल्स का बैलेंस हो जाता है, वातपित्त कफ का, एनिवरिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का। और रोग तो सब मिट ही जाते हैं। बड़ी बात यह है कि मानव महामानव बन जाता है, दिव्य मानव बन जाता है, भीतर का स्वराज्य, भीतर का साम्राज्य पा लेता है। योग से शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल, वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैश्विक बल अर्जित कर लेते हैं आप। और आत्मश्लाघा के लिए नहीं कह रहा हूं, बात समझ में आती है किसी एग्जाम्पल से, और एग्जाम्पल्स हम पिछले देते रहते हैं तो हम कहते हैं ये सब कहानियां हैं, बहुत सुनी है हमने। इसलिए आत्मश्लाघा के लिए नहीं, आत्मबोध के लिए आपको इस संदर्भ में थोड़ा अनुभव हो, इसलिए कई बार मैं अपना भी उदाहरण देता हूं। अपने शरीर का बल तो बढ़ता ही है, अपने शरीर का सामर्थ्य तो बढ़ता ही है, सब रोग मिटते ही, आपका भी अनुभव या हमारा भी अनुभव है। योग से मैंने प्रथम भी कहा था आपको कि हमारे दो हाथ नहीं रह जाते, फिर ये जो समष्टि की आत्माएं हैं उनको हम आत्मसात कर लेते हैं, वो हमारे साथ एकाकार हो जाती है। और हमारे अपने शरीर का बल तो बढ़ता ही है, हजारों लाखों करोड़ों हाथ हमारे साथ हो जाते हैं, ये योग का ही तो बल होता है, सब जुड़ जाते हैं, एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो योग से मैंने कहा अपने भीतर और बाहर का बल सामर्थ्य बढ़ता है, बहुत बड़ी महिमा है।
आप लय के साथ करते रहिए, कपाल भाती करना है आपको, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये दो प्राणायाम अधिक करने हैं, लेकिन करते करते ये पूरे योग के विज्ञान को भी आपको आत्मसात करना है। योग से हमारा जो 1 से 5% सामर्थ्य जागृत होता है, 95 से 99% जो सामर्थ्य सुप्त होता है, वो सुप्त सामर्थ्य भी जागृत हो जाता है। हम अपने शरीर बल का, इंद्रिय बल का, मनोबल का, बुद्धि बल का, आत्मबल का 1 से 5% ही उपयोग कर पाते हैं, और उसी से हमारे जीवन में इतना सामर्थ्य, इतनी महिमा, इतना ऐश्वर्य और इतनी योग्यताएं हमारे पास होती हैं। हमने इस योग के इस सामर्थ्य को अनुभव किया है। और मैं बड़ा उदाहरण आज जब देता हूं योग से क्या होता है, तो उसको 2-3 शब्दों में कहता हूं कि मैं आपके सामने बैठा हूं, स्वामी रामदेव आचार्य भाष्य जी, इस पूरे पतंजलि योगपीठ में जो कुछ है वो योग का सामर्थ्य है। आजकल पूरे देश और दुनिया में भौतिक आर्थिक भाषा ज्यादा समझ में आती है, तो लोग मेरे से आकर के पूछते हैं, स्वामी जी ये इतनी बड़ी संस्था कैसे बनी, ये इतना बड़ा ब्रांड कैसे बना, स्वदेशी का इतना बड़ा अभियान कैसे खड़ा हुआ, ये आपकी इतनी बड़ी प्रसिद्धि कैसे हुई, इतनी बड़ी समृद्धि कैसे मिली। मैंने कहा ये सब बाय प्रोडक्ट है, पावर, प्रॉस्पेरिटी, नेम एंड फेम, एंड दिस इज मैटेरियलिस्टिक प्लेजर, एंड सारे जो कुछ आप ये भौतिक रूप में जो कुछ देख रहे हो, दीज ऑल थिंग्स आर नॉट अवर अल्टीमेट गोल, योग एंड स्पिरिचुअलिटी, ये हमारा अल्टीमेट गोल है। दिस हॉल ब्रांड एंड प्रॉस्पेरिटी, ये जो कुछ देख रहे हैं ये सब तो बाय प्रोडक्ट्स है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस इस योग की तो एक छोटी सी महिमा है। आपको अभी जैसे इस शिविर में मोटापा के लिए बुलाया है, प्रधानता से, मैंने कल एक बात कही थी कि जब किसी बात को कहा जाता है तो प्रधानता से कहा जाता है, मोटापा कम करना इस शिविर का एक बड़ा मकसद है, लेकिन इसके साथ तो बहुत कुछ अपने आप ही ठीक होगा। मोटापा भी योग से कम होता है, मोटापा ही योग से कम नहीं होता, मोटापा भी योग से कम होता है, ये तो एक बेनिफिट है इसका। लेके साथ करते ही रुकना नहीं है, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार निरंतर करना है। मैं गहरे वैज्ञानिक तथ्य और सत्य निष्कर्ष भी आपके सामने रखता हूं, और साथ ही साथ कुछ मोटी मोटी बात भी कहता हूं कि देखो भाई, गरम गरम तवे पर रोटी सेक लो, नहीं तो दोबारा गर्म करना पड़ता है। तो आप एक बार योग से आपका सिस्टम ऑन होता है तो बस फिर उसको चलते रहने, उसी दिशा में बहते रहो, चलते रहो। चरे वेदि चरण वही मधुविंदति इंद्र चरत सखा कली शयानो भवति कृतम संपद्यते चरण। इतनी देर मेरे बात कहने का तात्पर्य था कि योग से सामान्य चेतना से हम दिव्य चेतना में प्रवेश कर जाते हैं, माने ये ट्रैक चेंज हो जाता है यहां से आपका। सुबह योग करना शुरू कर दीजिए, दिन भर आपका कर्मयोग होता रहेगा और जीवन में सब प्रकार के सौभाग्य का उदय होता रहेगा, ये ट्रैक चेंज हो गया, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। तो सुबह उठ करके योग करना ही करना है उसके बाद, और दिन भर कर्म योग करना है, ये दो शब्दों में पूरे जीवन को समझ लीजिए। फिर यहां से अगली बात शुरू कर, मोटापा तो कम होगा ही, बीपी शुगर तो ठीक होगा ही, थायराइड तो क्योर होगा ही, डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक होंगे, ये सारे मैं एग्जांपल के साथ बातें बता चुका हूं आपसे, पूरे साइंटिफिक एविडेंस के साथ, बिना तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के मैं कोई बात नहीं करता, विदाउट एविडेंस, कोई अनसाइंटिफिक बात नहीं करते हम,
प्रैक्टिकल बात करते हैं, साइंटिफिक बात करते हैं, यूनिवर्सल बात करते हैं, और वो सत्य आप सब अनुभव कर सकते हो। ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है, ये कोई सपना नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, ये जीवन का सबसे बड़ा यथार्थ है। जिसने किया वो कृतार्थ हो गया। योग जीवन का सबसे बड़ा यथार्थ। करते रहिए, थक गए होंगे कपालभाति करते करते, तो थोड़ी देर अनुलोम विलोम कर लीजिए। अब 5 मिनट से पहले इसमें रुकना नहीं है। कपालभाति हो या अनुलोम विलोम, एक अभ्यास कम से कम हम 5 मिनट कर सके। 95 से 99% हमारे मस्तिष्क का हम उपयोग ही नहीं कर पाते हैं। सामान्य अवस्था में हम अपने मस्तिष्क का 1%, जब हम अध्ययन करते हैं किसी संदर्भ में गहरा अनुशीलन करते हैं, उस गहरे अनुशीलन के वक्त जब हमको डीप स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, पूरी तरह से कंसंट्रेट करके किसी भी विषय में गहरा उतरते हैं, चाहे वो व्याकरण शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, चाहे वो साइंस और टेक्नोलॉजी है, किसी भी विषय में जब गहरे उतरते हैं तो मैक्सिमम हमारे मस्तिष्क का 5% इस्तेमाल करते हैं। बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं तो कहीं 6-7% यहां आकर के सीमाएं खत्म हो जाती हैं। योग से हमारे मस्तिष्क का सुप्त ज्ञान जागृत हो जाता है, रितंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद रितंभरा तत्र प्रज्ञ शतनामान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात् तच्चह संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्याप निरोधी सर्व निरोधान निर्विद समाधि। ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है। यस्मिन् ऋतस्ताम यदुंस यस्मिन् प्रतिष्ठिता रतना भाविवारः यस्मिन् चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। चारों वेद ज्ञान विज्ञान पराविद्या पराविद्या ब्रह्म विद्या सब हमारे भीतर है। सारे ब्रह्मांड का ज्ञान, सारे ब्रह्मांड की शक्तियां, सारे ब्रह्मांड का सुख, सारे ब्रह्मांड का वैभव विभूति ऐश्वर्य सब हमारे भीतर है। योग से उसे जागृत करते हैं, यह बड़ा फायदा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, माना कि योग से रोग भी मिटते हैं, लेकिन स्ट्रेस फ्री लाइफ, दिस इज फ्री लाइफ, दिस इज द इनिशियल बेनिफिट ऑफ योगा, अचीवमेंट ऑफ द लाइफ डिफाइन, दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ योग। दिव्य जीवन की प्राप्ति, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति, दिव्य प्रेरणाओं की अनुभूति, दिव्य प्रेम, दिव्य करुणा, दिव्य वात्सल्य, दिव्य शक्ति, दिव्य सामर्थ्य, दिव्य ऐश्वर्य, दिव्य विभूति से जुड़ना, मानव से महामानव बनना। इस पिंड में जो ब्रह्मांड की संपूर्ण दिव्य शक्तियां समाहित, उनका जागृत करना और शाश्वत का प्रतिनिधि होना, भगवान का मूर्त रूप हो जाना, यह है योग की बड़ी उपलब्धि। इसलिए योग से मोटापा, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड की प्रॉब्लम, ऐसा लेमा सेटलमेंट डिजीज, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर प्रॉब्लम, ये सब तो मिटने ही वाले हैं और ये मिट रहे हैं। ये सब रोग हमने देख लिया है अपनी आंखों से, अनुलोम विलोम करते रहिए, इससे आगे जाना है। अभी बहुत भ्रांतियां फैली हुई हैं, कितनी भ्रांतियां हैं, कितना ज्ञान है।